हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश सिंह फिटनेस हब में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। आज हम एक नया वर्कआउट वीडियो लेकर आए हैं जो होगा हमारे बाइसेप मसल्स के लिए, और हम उन बेहतरीन एक्सरसाइज को करेंगे जो होगी टॉप 6 एक्सरसाइज। और हम सेट करने से पहले हम करेंगे वार्म अप, और वार्म अप के तौर पर जो हमारी पहली एक्सरसाइज होगी वो होगी चिन अप। तो आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं चिन अप। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। और हम अब लगाएंगे चिन अप, वो भी ग्रिप होगी हमारी सुपिनेटेड ग्रिप। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। आपको ऊपर जाने पर अपने बाइसेप मसल्स को स्क्वीज करना है, नीचे जाने पर स्ट्रेच, और इस तरीके का आपको एक सेट लगाना है 10 रैप्स के। और हम आफ्टर डाइट करेंगे दूसरी एक्सरसाइज लाइट वेट से स्टैंडिंग डंबल कर्ल। तो आइए देखते हैं कैसे करनी है। और जो हमारी वार्म अप की दूसरी एक्सरसाइज होगी वो होगी स्टैंडिंग डंबल कर्ल। अपने बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए चेस्ट को अप रखना है, और आइए देखते हैं हम कैसे करनी है। हमें लेफ्ट हैंड को 90 डिग्री पर होल्ड करके रखना है, और राइट हैंड से हम 10 रैप्स का सेट लगाएंगे। बहुत ही स्लोली धीरे धीरे रिलीज करेंगे, और नीचे जाने पर हम अपने बाइसेप मसल्स को स्ट्रेच करेंगे, और ऊपर आने पर इसे स्क्वीज करेंगे। बहुत ही धीरे धीरे करना है। और इसके बाद हम अपने राइट हैंड को 90 डिग्री पर होल्ड करेंगे, और इससे हम 10 रैप्स लगाएंगे। दोनों से 10 रैप्स होने के बाद आपको दोनों हाथ से 10 रैप्स मारने हैं। आपको बहुत अधिक वेट नहीं लेना है, और केवल एक सेट लगाने हैं इस तरीके के, केवल वार्म अप के लिए। इसके बाद हम सेट लगाएंगे, और सेट की हमारी पहली एक्सरसाइज होगी वो होगी स्टैंडिंग बार बार कर्ल। आइए शुरू करते हैं सेट। हमें बार बार को पहले शोल्डर विड्थ, यानी ना बहुत ज़्यादा बाहर पकड़ना है और बहुत ज़्यादा ना अंदर पकड़ना है, और हम अपने फीट को अच्छी तरीके से शोल्डर विड्थ या उसके अंदर प्लेस करेंगे। और आपको बॉडी स्ट्रेट रखना है और चेस्ट अप रखना है, और बहुत ही धीरे धीरे सेट लगाएंगे। बहुत अधिक वेट नहीं रखना है, जिससे कि आपके स्पाइन पर वेट अधिक होने के कारण उस पर प्रभाव जाए। और हमें इस तरीके के 3 सेट लगाने हैं 10 टू 15 रेप्स के। ऊपर आने पर हमें अपने बाइसेप मसल को स्क्वीज करना है, और होल्ड फॉर 1 सेकेंड, और धीरे धीरे रिलीज करना है, और हमें बाइसेप मसल को फुल रेंज ऑफ मोशन मिले जाना है, और नीचे जाने पर हमें अपने बाइसेप मसल को स्ट्रेच करना है। आफ्टर डैट हम इसके बाद दूसरा सेट लगाएंगे जो होगा हमारी सिटिंग डंबल कर्ल। आइए देखते हैं कैसे करनी है। हमें सिटिंग डंबल करते हुए अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है और चेस्ट को अप रखना है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। हम अब जब डंबल ऊपर की तरफ लाएंगे तो अपने बाइसेप मसल को स्क्वीज करेंगे, और धीरे धीरे रिलीज करेंगे, और अपने बाइसेप मसल को स्ट्रेच करेंगे। हमें बहुत जर्क नहीं मारना है, और अधिक वेट नहीं लेना है। हम बहुत धीरे धीरे स्लोली करना है, और हमारे वर्किंग मसल्स पे पूरा इफेक्ट पड़े। इस तरीके के हमें 3 सेट्स आप 10 टू 15 रैप्स लगाने हैं। आफ्टर डैट हमारी जो तीसरी एक्सरसाइज होगी, आइए वो होगी प्रीचल कर्ल, देखते हैं। और आपको प्रीचल कर्ल करते समय आपको इस तरह की बेंच की ज़रूरत पड़ेगी, और एक डंबल की ज़रूरत पड़ेगी। आइए देखते हैं। आपको अपने बाइसेप मसल्स को पूरी तरीके से प्लेसिंग करनी है इस बेंच पर, और आपका जो शोल्डर हो वो बहुत आगे ना हो, और इस तरीके से हम लगाएंगे। ऊपर आने पर हमें अपने बाइसेप मसल्स को स्क्वीज करना है, और नीचे ले जाने पर स्ट्रेच। जो हमारा वर्किंग मसल्स यानी बाइसेप है, आपको उस पर
बहुत अधिक वेट लेकर नहीं करना है। और इस तरीके के हमें 3 सेट्स ऑफ 12 रिपीटेशन लगानी है। और फिर हम दूसरे हाथ से 12 रैप्स मारेंगे सेम उसी तरीके से। आफ्टर डैट हम इसके बाद चौथी एक्सरसाइज करेंगे, वह होगी हमारी स्पाइडल कर्ल। आइए देखते हैं कैसे करनी है। आपको स्पाइडल कर्ल करते समय एक एडजस्टेबल बेंच की ज़रूरत होगी और इसे हम इंक्लाइंड पे सेट करेंगे और जो इसका एंगल होगा वह 45 एंगल होगा। और हम एक लेंगे EZ बार, बहुत अधिक वेट नहीं लगाएंगे जिससे कि हमारा वर्किंग असल पर प्रभाव ना पड़े। हमको एक लाइट वेट लेना है। आइए देखते हैं कैसे करनी है। हमें स्पाइडल कर्ल लगाते समय यह ध्यान देना है कि हमारी जो वर्किंग मसल बा इसे फिर से सामने की ओर रखना है और धीरे धीरे रिलीज करेंगे और फिर ऊपर आने पर हमें अपनी बाइसेप मसल को स्ट्रेच करना है। ये मैं एडवांस लेवल के या इंटरमीडिएट के एथलीट हैं उनको प्लीज़ ये एक्सरसाइज अपने सेट में ऐड करिए। बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज ऑफ बाइसेप मसल। इस तरीके के हमें 3 सेट्स ऑफ 12 रिपीटेशन लगानी है। आफ्टर डैट हम पांचवी एक्सरसाइज करेंगे, वो होगी हमारी डंबल हैमल कर्ल। आइए देखते हैं कैसे करनी है। पहले हम 10 रैप्स दोनों हाथों से सीधे लगाएंगे धीरे धीरे। आपको बाइसेप मसल बहुत उठानी नहीं है आगे की तरफ और ना बहुत पीछे ले जानी है, हमें मीडियम साइज में रखनी है। और ऊपर आने पे हमें स्विच करना है बाइसेप मसल को। 10 रैप्स हो जाने के बाद हम 10 रैप्स बाइसेप मसल की अंदर तरफ मारेंगे। आपको चेस्ट के पास लाना है और अपने बाइसेप मसल को अंदर की ओर ट्विस्ट करना है। इस तरीके के हमें 20 रैप्स लगाने हैं। 3 सेट्स ऑफ इसके भी करने हैं। आफ्टर डैट हम लास्ट एक्सरसाइज करेंगे जो की होगी हमारी वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज ऑफ बाइसेप मसल यानी कंसंट्रेशन कर्ल। आइए देखते हैं कैसे करनी है। कंसंट्रेशन कर्ल लगाते समय हमें सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अपने इस पैर को 90 डिग्री एंगल पे फ्रंट की ओर रखना है और हम सेकेंड पैर को अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से रखेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम कंसंट्रेशन लगाएंगे तो अपने आर्म यानी ट्राइसेप मसल को थाई पर अच्छे से प्लेसिंग करनी है। और हम एक डंबल लेंगे और डंबल से ऊपर आने पर हमें अपने बाइसेप मसल को स्क्वीज करना है और धीरे धीरे रिलीज करेंगे और नीचे जाने पर हमें स्ट्रेच करना है। इस तरीके के हमें 3 सेट्स ऑफ 10 to 15 रैप्स लगाने हैं। दोस्तों कैसा लगा यह हमारा वर्कआउट वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और उसके साथ साथ आप कमेंट करिए। कमेंट हमारे लिए बहुत ही यूजफुल व बेनिफिशियल रहेंगे। और दोस्तों आप मेरा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आप सभी जहाँ हों स्वस्थ हों अच्छे हों और फिट हों। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।